हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 बेस्ट ईयरबड्स अंडर 3000 रुपीज। और गाइस, आप सभी ने सफेदा वोटिंग भी सेकंड नंबर पे ईयरबड्स ही किए, तो इसीलिए इस वीडियो में आपको 5 बेस्ट परफेक्ट ईयरबड्स बताऊंगा जिनमें आपको टॉप नॉच की ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी, प्लस कॉलिंग क्वालिटी भी काफी बढ़िया होगी, एंड साथ में लॉन्ग बैटरी लाइफ, गेमिंग मोड, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, और हाँ दोस्तों, इनमें आपको ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बहुत ही अच्छे ईयरबड्स होंगे, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप अच्छे समझ कर अपने बेस्ट ईयरबड चूज कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जो फर्स्ट ईयरबड है वो आते बोट की तरफ से, बोट निर्वाणा ION। और गाइस, ये बोट की तरफ से आने वाले बहुत ही अच्छे ईयरबड्स हैं, इन्हें लॉन्च हुए ऑलमोस्ट अभी एक महीना होने वाला है और लुक वाइज भी काफी अमेजिंग लगते हैं। तो गाइस, अगर आपका बजट 2000 रुपए के आसपास है ना, तो इसको आप जरूर बाय करना। इसमें आपको कनेक्टिविटी के लिए BT 5.2 मिलता है एंड कनेक्टिविटी भी सुपर फास्ट है, और साथ में IPX4 की वार्निंग भी दे रखी है। बाकी बात उसके मेन ऑडियो क्वालिटी की, तो 10 AM के ड्राइवर्स दिए गए हैं जिन्हें काफी अच्छे तरीके से ट्यून किया गया है, और इनमें 2 इक्वलाइजर मोड भी दिए गए हैं, बैलेंस मोड और सिग्नेचर मोड। तो सिग्नेचर मोड में इसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ बेस ज्यादा मिलता है, एंड वही बैलेंस मोड में हर एक चीज बैलेंस है और बेस भी काफी अच्छा मिलता है, एंड इसमें आपको क्रिस्टल बायोनिक साउंड भी दिया गया है जिससे ऑडियो क्वालिटी और भी बेटर हो जाती है। और फर्दर बातों से कॉलिंग क्वालिटी की, तो क्वाड माइक दे रखे हैं विथ ENC मीन्स 2 माइक इन ईच ईयरबड्स, तो इसकी कॉलिंग क्वालिटी काफी बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इंडोर या आउटडोर में। बट अगर आप ज्यादा ही नॉइज़ी एटमॉस्फेयर में जाओगे तो ये थोड़ा बहुत नॉइज़ कैच करते हैं। बाकी बात हो गेमिंग की, तो इसमें आपको 60 ms की लोडेंसी मिलती है, तो इसमें आप अच्छी खासी गेम भी कर पाओगे। एंड उसके अलावा बैटरी का भी काफी कमाल का है, 120 hours तक का बैटरी का मिलता है विद केस, एंड विदाउट केस 24 hours तक का बैटरी का मिल जाएगा। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छे ईयरबड्स हैं विद लॉन्ग बैटरी लाइफ। बाकी बात हो प्राइसिंग की, 2000 रुपए के मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो गाइस, अब चलते नंबर 2 पे, ये आते हैं क्रॉसबीट की तरफ से, क्रॉसबीट रिवॉल्ट। और गाइस, इन्हें लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, एंड इनकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी तो है ही, बट कॉलिंग क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। इनमें आपको 6 माइक्रोफोन दे रखे हैं विद हाइब्रिड ANC, एंड साथ में विंड नॉइज रेजिस्टेंस भी दे रखा है। बट सबसे पहले बात उसी कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको लेटेस्ट BT 5.3 मिलता है और कनेक्टिविटी भी फास्ट है, एंड साथ में IPX4 की वाटर रेटिंग भी दे रखी है, एंड इसका एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी काफी अच्छे से वर्क करता है, 70-80% तक के बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिल आउट कर देगा, एंड साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी बढ़िया वर्क करता है, काफी हद तक बाहर की एक्टिविटीज को कैच कर लेता है। बाकी बात ऑडियो क्वालिटी की, तो 10 AM पर ड्राइवर्स यूज किए हैं जिनमें आपको लाउडनेस काफी अच्छी मिल जाती है, एंड जो वोकल्स में क्लैरिटी है वो भी काफी सही है, एंड ट्रबल्स में हाई मिड स्लो वो भी अच्छे से ऑप्टिमाइज है, बट बेस इनमें आपको डिसेंट सुनने को मिलता है, मींस ज्यादा पावरफुल बूस्टर बेस नहीं है, तो अगर आप बेस लग रहे हो तो आपको हल्का फुल्का बेस की कमी फील होगी, तो ओवरऑल आपको एक बैलेंस ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाती है। एंड इसी तरह बात उसी कॉलिंग क्वालिटी की, तो 6 माइक्रोफोन दे रखे हैं विद ENC मींस 3 माइक इन ईच ईयरबड्स, तो इसकी कॉलिंग क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाती है, बट ये भी ज्यादा नॉइज़ी एटमॉस्फेयर में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ से कैच करते हैं, और वहीं इस पर आप अच्छी खासी गेम भी कर पाओगे, इस पर आपको 40 ms की लोडेंसी मिल जाती है। एंड उसी के अलावा बात करें बैटरी की, तो 48 hours तक का बैटरी का मिल जाएगा विद केस, एंड विदाउट केस 6-7 घंटे तक का बैटरी का मिल जाएगा, एंड साथ में फास्ट चार्जिंग भी है जो कि आपको 10-8 hours तक का बैटरी का दे देंगे। बाकी बात करें प्राइसिंग की, तो आपको 2500 के मिल जाएंगे Amazon के ऊपर। तो गाइस, अब चलते नंबर 3 पे, ये आते हैं ओप्पो की तरफ से, ओप्पो एनको बड्स Air 3। और गाइस, इन्हें भी लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, तो अगर आपको एक हाफ इन डिजाइन वाले ईयरबड्स चाहिए देन इसको आप जरूर कंसीडर करना, लुक वाइज काफी अच्छे लगते हैं और इनकी ऑडियो क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है। इनमें 13.4 mm के लार्ज ड्राइवर्स यूज किए हैं, और हाफ इन डिजाइन होने के बाद भी सच में इनकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, ऑडियो में रिजनेस काफी बढ़िया है, वोकल्स भी पूरे क्लीन है, और इवन लाउडनेस भी अच्छी सुनने को मिल जाती है, एंड जो ओप्पो लाइव ऑडियो का ऑप्शन दिया गया है उससे एकदम सराउंडिंग म्यूजिक का एक्सपीरियंस मिलता है, एंड जो बेस है वो भी अच्छे हैं बट इतने पावरफुल नहीं है, और साथ में हे मेलोडी ऐप का भी सपोर्ट मिलता है, तो म्यूजिक को अपने अकॉर्डिंग ट्यून भी कर सकते हो, और वहीं इसकी कॉलिंग क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, इंडोर आउटडोर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बट ये भी ज्यादा नॉइज़ी एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत नॉइज़ को कैच करते हैं। बाकी 47 ms की लोडेंसी मिलती है, तो इस पे आप अच्छी खासी गेम भी कर पाओगे, और उसके अलावा एक्टिविटी काफी फास्ट है, इसमें आपको लेटेस्ट BT 5.3 मिलता है, गूगल फास्ट पेयरिंग एंड डुअल डिवाइस का भी सपोर्ट दे रखा है, तो एक साथ आप 2 डिवाइस में पेयर कर सकते हो, एंड साथ में IP54 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी दे रखी है, और उसके अलावा 25 hours तक का बैटरी का मिल जाएगा विद केस, एंड विदाउट केस 5-6 घंटे तक का बैटरी का दे देंगे, एंड साथ में फास्ट चार्जिंग भी है जो कि आपको 10 मिनट की चार्ज पर 2 hours तक का प्ले टाइम मिल जाएगा। बाकी बात तो प्राइसिंग 3000 के मिल जाएंगे Amazon के ऊपर। तो गाइस, तो नंबर 4 पे ये आते हैं ओरिमो की तरफ से, ओरिमो फ्री पॉड्स प्रो। और गाइस, ये ओरिमो की तरफ से आने वाले बहुत ही अच्छे ईयरबड्स हैं, जो फीचर्स आपको 4-5 वाले ईयरबड्स से मिलते हैं वो सही फीचर्स आपको इनमें मिल जाएंगे, और इन्हें लॉन्च हुए भी ऑलमोस्ट 7 महीने होने वाले हैं, बट आज भी काफी अच्छे ईयरबड्स हैं। इनमें आपको कनेक्टिविटी के लिए BT 5.2 मिलता है, गूगल फास्ट पेयरिंग, एंड साथ में IPX5 की वॉटर रेटिंग भी दे रखी है, और इवन एक सिलिकॉन कवर भी दे रखा है केस के प्रोटेक्शन के लिए। बाकी इसमें आपको 45 dB तक का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है, तो आपके आसपास जो भी बैकग्राउंड नॉइज है काफी अच्छे से कैंसिल आउट कर देगा, एंड साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी है, तो अपने आसपास के एम्बिएंट साउंड भी सुन पाओगे, और वहीं इसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफी इंप्रेसिव है। इनमें आपको 8 AM का ड्राइवर्स मिलते हैं, और इनमें आपको 2 मोड दे रखे हैं, नॉर्मल मोड और बेस मोड।
तो नॉर्मल मोड में इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी रहती है, बट बेस थोड़ा कम रहता है, और बेस मोड में इसकी ऑडियो क्वालिटी और भी बेटर हो जाती है, क्योंकि बेस ज्यादा होने के बाद भी ट्रैवल में रिचेस को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है, एंड वोकल्स में क्लैरिटी भी काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल एक अच्छे म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए इन्हें आप जरूर कंसीडर करना। एंड उसके अलावा बात करूं कॉलिंग क्वालिटी की, तो क्वाडबैंक मिल जाते हैं विद ENC, तो इसकी कॉलिंग परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है, एंड ENC भी काफी अच्छे से वर्क करता है, बट ये भी ज्यादा नॉइजी एटमॉस्फेयर में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज से कैच करते हैं। बाकी अगर आप इसमें गेमिंग करना चाहते हो तो इसमें आपको 80 mAh की लोड ऐसी मिल जाती है, एंड इनमें आपको 43 hours तक का बैटरी कप मिल जाएगा विद केस, एंड विदाउट केस 5-6 घंटे तक का बैटरी कप दे देंगे, एंड साथ में फास्ट चार्जिंग भी, जो कि 5 मिनट की चार्ज पर 90 मिनट्स का प्ले टाइम मिल जाएगा। बाकी बात तो प्राइसिंग की 2800 के मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो गाइस अब तक नंबर 5 पे ये आते हैं OnePlus Nord Buds 2, और गाइस इन्हें लॉन्च हुए ऑलमोस्ट अभी 2 हफ्ते ही हो रहे हैं, एंड ये OnePlus तरफ से आने वाले 3000 रुपए के अंदर बहुत ही अच्छे ईयरबड्स हैं। इससे पहले नॉर्ड बर्ड्स आए थे जो कि बहुत पॉपुलर हुए थे, बट उनमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिसिंग था, बट इनमें आपको ANC मिल जाता है और इनकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। बट सबसे पहले बात हो कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको लेटेस्ट BT 5.3 मिलता है और कनेक्टिविटी भी सुपर फास्ट है, एंड साथ में IP55 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी दे रखी है। बाकी बात हो इसकी ऑडियो क्वालिटी की, तो 12.4 mm का डायनामिक ड्राइवर्स यूज किए हैं, और साउंड क्वालिटी सच में बहुत ही अमेजिंग है, ऑडियो में डिटेलिंग बहुत ही बढ़िया है, हर एक चीज प्रॉपर सुनाई देती है, एंड साथ में जो स्टोरेज सेपरेशन है ना वो भी बहुत अमेजिंग है, मींस राइट की चीज राइट में सुनाई देती है और लेफ्ट चीज लेफ्ट में, और जो बेस है वो भी बहुत पावरफुल सुनने को मिलता है, एक सराउंडिंग मूवी बेस सुनने को मिल जाता है, एंड साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है जिससे इसकी ऑडियो क्वालिटी और बेटर हो जाती है, और हे मेलोडी ऐप का भी सपोर्ट दे रखा है, तो म्यूजिक को अपने अकॉर्डिंग ट्यून भी कर पाओगे। तो ओवरऑल एक बेस्ट ऑडियो क्वालिटी के लिए इन ऐप जरूर कंसिडर करना। और वहीं इनमें वो 25 dB तक का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी दे रखा है, तो नॉर्मल आपके घर में जो फैन ऐसे चलते हैं उन सबकी आवाज को कैंसिल आउट कर देगा, एंड साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी है, तो अपने आसपास के एंबिएंट साउंड भी सुन पाओगे। और उसी के अलावा कॉलिंग के लिए इसमें कॉड माइक दे रखा है विद ENC, और इनकी भी कॉलिंग क्वालिटी काफी अच्छी है, बट ज्यादा ही नॉइजी एटमॉस्फेयर में ये भी थोड़ा बहुत नॉइज कैच करते हैं। बाकी लेटेंसी मेंशन नहीं किया गया, बट इसमें भी आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, और इनमें आपको 36 hours तक का बैटरी कप मिल जाएगा विद केस, और विदाउट केस 5-6 घंटे तक का बैटरी कप दे देंगे, एंड साथ में फास्ट चार्जिंग भी, जो कि आपको 10 मिनट चार्ज पे 5 hours तक का बैटरी कप मिल जाएगा। बाकी बात हो प्राइसिंग की, 3000 के मिल जाएंगे अमेजोन के ऊपर। तो गाइस ये थे टॉप 5 बेस्ट ईयरबड्स जिन्हें आप बाय कर सकते हो, एंड सभी के सभी ईयरबड्स अपने अकॉर्डिंग काफी अच्छे हैं, बट अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।